मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर में मंगलवार को सीएम के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। भोपाल स्थित कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन लागू करने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन ही सही पदोन्नति शुरू करने और कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को केंद्र के समान डीए तथा महंगाई राहत देने सहित 25 सूत्री मांगों को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। क्रांति आंदोलन का प्रथम चरण है। अगर हमारी इन समस्याओं पे जो 25 सूत्री हमने आज ज्ञापन दिया है विभिन्न संवर्गों का, उसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जो मुद्दे जिसमें सरकार का एक रुपया नहीं लगना है, वो समस्याओं का हल हो जाना है। और अगर नहीं मानेगी तो 17 अक्टूबर को हमारा प्रादेशिक धरना प्रदर्शन रैली भोपाल के अम्बेडकर पार्क में सुनिश्चित किया गया है हमारे संगठन के द्वारा। और फिर इसके बाद जो अगर कुछ भी समस्या नहीं बनती है हमारे सभी कर्मचारियों की, तो इसके बाद हमारे प्रदेश नेतृत्व के चरण में हम उग्र आंदोलन की मांगे, जैसे पुरानी पेंशन बहाली की है, जैसे सभी विभागों की है समस्या, हमारे जो चतुर्थ समयमान वेतनमान की भी घोषणा की है जिसको आज तक लागू नहीं हुआ है, और हमारे क्लेरिकल भाई जो स्टाफ है उनकी तो समस्या, वेतन विसंगति के लगभग 100 विभागों में वेतन विसंगतियाँ हैं सभी की, उसमें वरिष्ठता भी है और वेतन विसंगतियाँ भी हैं, ये हमारी मुख्य मांग है। हमारे महामंत्री जितेंद्र साग।